इसमें स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज 15 तारीख से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो आज इस अवसर पर हमें टाउन पार्क के समक्ष सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के व्यक्ति हैं, जन सामान्य लोग हैं, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हैं, हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं, माताएँ बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमने ये लोगों से यह आह्वान भी किया और हम स्वयं भी प्रशासनिक स्तर पर भी सफाई का अभियान चला रहे हैं। हम पूरे नगर को और गांव को चारों तरफ इसको साफ करने का अभियान है, और हम जनता से भी आह्वान करते हैं कि अपने आसपास के स्थलों को साफ करें और कम से कम अपने घर के सामने के क्षेत्र को साफ करें। तो अगर एक व्यक्ति अगर अपने घर के सामने के स्थान को भी साफ करेगा तो मैं मानता हूँ कि सारे नगर साफ हो जाएंगे, सारे गांव साफ हो जाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर को आज हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, और पूरे देश भर में ये जो पखवाड़ा है 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक, इसमें एक मंत्र घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि स्वच्छता ही सेवा है। माननीय मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान का शुभारम्भ किया था, और ये एक ऐसा अभियान, और मैं ये कहूँगा कि देश को पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने वास्तव में सामाजिक जीवन से छूती हुई जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको टच किया है। चाहे मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं, भ्रूण हत्या की बात करूं, कितने ही मुद्दे गिनाए जा सकते हैं, परंतु क्योंकि आज स्वच्छता की बात है, हम स्वच्छता की बात करेंगे। और मैं आज आप मीडिया के साथियों की तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से, आज जितने भी राजनीतिक दलों के मेरे साथी आए हैं, सामाजिक संस्थाओं के मेरे साथी आए हैं, और हमारे बल की सफाई कर्मचारी भी आए हैं, मैं सबसे ज़्यादा बधाई उन सफाई कर्मचारियों को देता हूं कि माननीय मोदी जी कहते हैं और देश और हमारी आत्मा भी कहती है कि वास्तव में अगर आज को सैल्यूट के लायक हैं तो वो कर्मचारी हैं जो स्वच्छता और सफाई में हमारा योगदान करते हैं। और जो डेंगू से भी बेहतर होगा, ये जो चीज़ें दिल से काम करे कि ये भगवान की पूजा करने के बराबर है, इसे कम नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि पूरा मन लगा करके आपके 8 घंटे ड्यूटी। दूसरी बात ये है कि अगर हम सफाई अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते, गंदगी फैलाने से तो रोक सकते हैं, हम अपने घरों में गंदगी एवं दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक चल रहे असमर्थ हैं, 2 गड्ढा शौचालयों के निर्माण में सहायता कर वापस नहीं जाना, आगे भी चल पड़ा थोड़ा थोड़ा खुले 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 ये खापड़ा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है, और देश को पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने नित्यकर्म की जरूरतों को छूते हुए ही सामाजिक काम किए हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान, भ्रूण हत्या, ऐसे बहुत से काम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। और आज 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जाता है, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी व पार्टी के पदाधिकारी पूरा भरपूर सहयोग देंगे, और 2 अक्टूबर तक लगातार ये प्रयास चलेगा कि शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहे।